हेलो दोस्तों, स्वागत है सबको सुपर इंजीनियर चैनल में। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे, सब सेफ होंगे। दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। जो पिछले वाला मेरा वीडियो था जनरेटर प्रोटेक्शन के ऊपर, वो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। लोगों का थोड़ा मतलब बहुत दिन बाद पढ़ाई का रिविज़न हुआ, वो अच्छा लगा। लोग मुझे बहुत अच्छा अच्छा मैसेजेस भी भेजे हैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे। और जैसे ही मैं आपको प्रॉमिस किया था, मैं ऐसे ही पढ़ाई का भी वीडियो लेके आया हूँ। और आज जो भी टॉपिक है वो भी वही पढ़ाई के टॉपिक के ऊपर है। अभी जो मैं जो अभी चल रहा है वो है जनरेटर प्रोटेक्शन के ऊपर। तो आज हम एक जनरेटर प्रोटेक्शन डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों का डाउट है, बहुत सारे लोग पूछे भी हैं, बहुत सारे लोग ये वीडियो बनाने के लिए बोले भी हैं। तो उन सबके लिए और आप सबके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ओके दोस्तों, जनरेटर प्रोटेक्शन जो है बहुत ही हाइप टॉपिक है। उसमें बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे कि बहुत सारे प्रोटेक्शन पैनल्स भी होते हैं अगर हम प्रोफेशनल पावर प्लांट की तरफ बिहेव करेंगे तो। लेकिन अभी जो हम थियोरिटिकल डिस्कशन है वो सब कंटिन्यू करेंगे जब भी मुझे मौका मिलेगा। मुझे इस टाइप का पढ़ाई वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। वहीं पे डिटेल में हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है, जनरेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। ओके तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। ये है आपका चाहता टॉपिक, जो भी डिस्कस टॉपिक है, जनरेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। ओके तो दोस्तों, जनरेटर अर्थ फॉल्ट ये नॉर्मली होता है दो टाइप का, जैसे हम लोगों को सबको पता है। एक होता है स्टेटर अर्थ फॉल्ट और एक होता है रोटर अर्थ फॉल्ट। दो ही मेजर पार्ट है जनरेटर में। ओके अब क्या है दोस्तों, जन स्टेटर अर्थ फॉल्ट हम कभी देखे हैं, ये मेजरली दो टाइप का डिफाइंड होता है। एक होता है 95% अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, एक होता है 100% अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। ओके तो आज का जो मेन टॉपिक है तो हम इसमें फोकस करेंगे, 95% अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन और नॉर्मल अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं। ओके तो दोस्तों, नॉर्मली जब हम बात करते हैं जनरेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का, ओके तो हम लोग सबको पता है, अगर सर्किट डायग्राम, जनरेटर का सर्किट डायग्राम हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, ये उसका हो गया मान लीजिए कि वाइंडिंग, ये चला गया आगे, ये हो गया आर फेज का, ये हो गया बी फेज का, ये हो गया आर फेज का, ये हो गया वाई फेज का, और ये हो गया आपका बी फेज का। ओके और यहाँ पे क्या है, ये हो जाता है आपका न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे लोड लोड कनेक्ट होता है, ठीक है। लोड मतलब ये भैया जीटी के थ्रू आगे जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये जो कनेक्ट, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग में आप देखे होंगे, ये इसको ग्राउंड करते हैं। यहाँ पे दो टाइप का हम लोग ग्राउंड करते हैं, ठीक है। ग्राउंडिंग के लिए हम लोग दो टाइप यूज़ करते हैं, एक होता है आपका NGR, एक होता है आपका NGT, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर, और एक होता है न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, इसके एक्रॉस में एक रेजिस्टर लगाते हैं और ये हो जाता है आपका NGT। ओके तो दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों को पता है ये है आर फेज, ये है वाई फेज और ये है बी फेज। जब तक अगर आपका ये आर वाई और बी, यहाँ पे आर, यहाँ पे वाई और यहाँ पे बी, ओके ये सब 120 डिग्री फेज शिफ्ट में रहते हैं। हम लोगों को पता है आर वाई बी, ये नॉर्मली जनरेटर का 120 डिग्री फेज शिफ्ट में वोल्टेजेस रहते हैं। ओके तब अब क्या होता है, यहाँ पे जो वेक्टर सम होता है VR प्लस VY प्लस VB का वेक्टर सम जो है होता है, ये होता है जीरो नॉर्मल कंडीशन पे। लेकिन क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे अर्थ फॉल्ट आपका हो गया,
लेफ्ट से यहाँ पे आपका अर्थ फॉल्ट हो गया, ओके बी फेज पे। तो होता क्या है, यहाँ पे ये अर्थ फॉल्ट हो गया, करंट तो ये तो जीरो नहीं रहेगा, यहाँ पे एक वर्चुअल पाथ बन जाता है थ्रू ग्राउंड, ओके ग्राउंड होके अब ये एक क्लोज्ड लूप बन जाता है। क्लोज्ड लूप बन जाने से यहाँ पे फॉल्ट करंट फ्लो होता है IF, ओके ये करंट क्या होता है, यहाँ पे फ्लो होता है, ओके ये यहाँ पे फ्लो होने से जो NGT का प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने से यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में एक करंट फ्लो होता है I, ओके और ये फिर ये तो फॉल्ट करंट जाता ही है, ठीक है ये इम्बेलेंस्ड करंट है, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा, मैक्सिमम करंट बी में जाएगा क्योंकि वो आर्थ फॉल्ट हुआ है, ठीक है यहाँ पे जाके और ये जो आर है इसके एक्रॉस में हम लोग वोल्टेज लेते हैं वी, ओके और यहाँ पे रिले लगा रहता है, एक रिले, ओके ये वोल्टेज का इनपुट इसको जाता है, ओके अब दिस रिले है सम सेटिंग, ओके ये रिले में हम लोग कुछ सेटिंग करते हैं, क्या सेटिंग करते हैं, एक इनपुट लेते हैं, एक वोल्टेज का सेटिंग लेते हैं, लेट्स से 5 वोल्ट, ओके ये उसका बोलते हैं थ्रेशोल्ड सेटिंग, ओके अभी इस 5 वोल्ट्स के ऊपर अगर जाएगा तो जनरेटर दिस रिले विल इश्यू ए ट्रिप कमांड। कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे फॉल्ट हो गया तो इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ, फ्लो होने से ये प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग फ्लो होने से यहाँ पे जैसे भी रेशियो, सपोज हम लोग 5000:1 टर्न्स रेशियो में ट्रांसफार्मर लगाए हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे 5000 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा तो यहाँ पे 1 एम्पियर फ्लो होगा, उस हिसाब से यहाँ पे जिसे भी हम लोग रजिस्टर लगाए हैं रजिस्टर के एक्रेस में वोल्टेज हो जाएगा और ये वोल्टेज जो भी ड्रॉप है इसको मेजर करके हम रिले में देंगे। ये अगर जैसे ही मान लीजिए कि बहुत माइनर फॉल्ट है, बहुत ही माइनर फॉल्ट है, बहुत ही माइनर इम्बेलेंस है तो ये इसमें 5 वोल्ट बनेगा नहीं, मैं 5 वोल्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ओके तो बनेगा नहीं। जैसे मेजर फॉल्ट हो गया, करंट का वैल्यू यहाँ पे बढ़ गया, मतलब यहाँ पे भी बढ़ेगा तो ये वोल्टेज का वैल्यू बढ़ने लगेगा, ये V का वैल्यू रिले में जो V आ रहा है ये बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगने से जैसे ही रिले का ये थ्रेशोल्ड सेटिंग को क्रॉस कर जाएगा देन दिस रिले, दिस अर्थ फॉल्ट रिले विल इश्यू ए ट्रिप कमांड टू द जनरेटर, ओके ये होता है सिंपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग आते हैं इसके एडवांस फेज के ऊपर, ओके तो अभी दोस्तों इस कंडीशन में देखिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाले भी वाले सेटिंग तो रिले को जा ही रहा है, अर्थ फॉल्ट रिले को। लेकिन अब आप लोगों के मन में ये डाउट हो सकता है इतने एक चीज पे हम लोग कैसे रिलाई करेंगे, ठीक है अभी अर्थ फॉल्ट रिले मान लीजिए कि ये वाला अगर जो भी वोल्टेज ये जो ट्रांसड्यूसर यहाँ से ले रहा है वो माल फंक्शन भी कर सकता है, माल फंक्शन करने पे क्या है अर्थ फॉल्ट रिले एक्ट हो जाएगा और अर्थ फॉल्ट रिले एक्ट होने पे जनरेटर ट्रिप हो जाएगा, बस एक कंडीशन पे हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं, नहीं ये जो रिले है ये एक कंडीशन पे भरोसा नहीं करता, इसमें और एक भी इनपुट आता है और एक इनपुट कहाँ से आता है यही एडवांस चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए अब क्या है, जनरेटर का जो वाइंडिंग है अब हम लोग इससे एक दोस्तों यहाँ पे आप लोग सुने होंगे ओपन डेल्टा कॉन्सेप्ट। ओपन डेल्टा कॉन्सेप्ट क्या है, इर हेड इज कनेक्टेड टू 12, हेड इज कनेक्टेड टू 12, फाइनली दिस वोल्टेज इज गेटिंग, ओके इट इज टेकिंग अनदर इनपुट, इट इज कॉल्ड ओपन डेल्टा वोल्टेज। ओपन डेल्टा वोल्टेज व्हाट इट मीन्स, नॉर्मल कंडीशन में क्या है, यहाँ पे वी आर वी वाई वी बी, ओके तो वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी दिट इज इक्वल टू जीरो नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन पे जीरो है। मान लीजिए कि देयर इज सम अर्थ फॉल्ट हियर और हियर और हियर, यहीं पे मान लीजिए कि अर्थ फॉल्ट है, बैलेंस जो है ये बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाने से क्या है कोई एक फेज में वोल्टेज बढ़ जाएगा या घट जाएगा, उससे क्या होगा यहाँ पे ये ओपन डेल्टा वोल्टेज पॉजिटिव आएगा, मतलब डेल्टा जनरेटर का कैसे कनेक्ट होता है, डेल्टा मतलब क्या है हम लोगों को पता है, स्टार कनेक्शन ऐसा होता है और डेल्टा कनेक्शन ऐसा होता है, यहाँ पे हेड इज कनेक्टेड टू टेल, हेड इज कनेक्टेड टू टेल, ये मतलब ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया,
डेल्टा कनेक्शन इसका मतलब क्या है, ओपन डेल्टा मतलब वन साइड इज ओपन, द फॉल्ट साइड इज ओपन, मतलब कोई एक फॉल्ट बी फेज में फॉल्ट हो गया तो ये अगर ओपन हो गया तो इन दोनों का जो वोल्टेज है यहाँ पे शो करेगा, शो करने से ये वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक ओपन डेल्टा वोल्टेज का इनपुट लिया हुआ है। ओपन डेल्टा इनपुट वोल्टेज लेने से क्या होगा, तो फाइनली अर्थ फॉल्ट रिले व्हाट इट विल मेजर, इट विल मेजर टू कंडीशंस, वन इज मेजर्ड वोल्टेज, मेजर वोल्टेज ग्रेटर देन थ्रेशहोल्ड वोल्टेज, एक कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, ओपन डेल्टा वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब वेक्टर सेम या फिर इसमें कोई एक मिनिमम सेटिंग आप ले लीजिए। ये दोनों कंडीशन अगर एंड होगा तो ये क्या है, दोनों कंडीशन अगर एंड होगा तो दिस अर्थ फॉल्ट रिले विल ट्रिगर एन ट्रिप कमांड टू जनरेटर एंड जनरेटर विल सेंस ए अर्थ फॉल्ट एंड इट विल बी ट्रिप्ड। ये होता है जनरेटर, नॉर्मल जनरेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, नॉर्मल जनरेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ओके। बट दिस कंडीशन, दिस प्रोटेक्शन हैज सम सर्टेन लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशन है दोस्तों इसको, मान लीजिए कि जनरेटर का वाइंडिंग यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। अब जनरेटर का वोल्टेज वाइंडिंग का, जैसे कि हम लोगों को पता है वाइंडिंग एक प्योरली इंडक्टिव चीज है, उसका वोल्टेज यहाँ से बिल्डअप हो के यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज होता है और यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज होता है, यहाँ पे मिनिमम होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं एक फॉल्ट हुआ, यहाँ पे कहीं एक फॉल्ट हुआ तो ये वोल्टेज तो मिनिमम है यहाँ पे, तो वो इतना फॉल्ट वोल्टेज फॉल्ट करंट जनरेट नहीं कर पाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो ये इतना फॉल्ट करंट जनरेट नहीं कर पाता है जो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज को पार कर जाए, ठीक है। तो ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज को पार नहीं कर पाएगा, ये एंड कंडीशन तो मीट नहीं होगा, एंड कंडीशन मीट नहीं होने पर ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि वो वाइंडिंग का ये जो 5% वाला एरिया है, ये जो 5% ऑलमोस्ट 5% एरिया है, इस कंडीशन पे अगर अर्थ फॉल्ट होगा, मान लीजिए कि इस कंडीशन पे अर्थ फॉल्ट होता है, 5 टूवर्ड्स न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट है या फिर टूवर्ड्स ये 5% वाइंडिंग जो हो गया, इसमें अगर अर्थ फॉल्ट होता है तो जनरेटर अर्थ फॉल्ट विल फेल टू ट्रिप, ओके। तो अभी इस मान लीजिए कि यहाँ पे अर्थ फॉल्ट हुआ, जनरेटर अर्थ फॉल्ट ले तो माल फंक्शन नहीं कर गया, वो तो ट्रिप नहीं करेगा, लेकिन ये जो 5% है वाइंडिंग डैमेज हो सकता है। दैट्स व्हाई दिस टोटल स्कीम इज कॉल्ड 95% अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर। व्हाई दिस 5% वाइंडिंग इज नॉट प्रोटेक्टेड इन दिस रिले, ओके। सो ये होता है आपका 95% अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। अब हम लोग इसको तो हमको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो वाइंडिंग हमारा डैमेज हो जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और एक रिले डिजाइन करेंगे या और फिर ऐसा कुछ सिस्टम डिजाइन करेंगे जो हमारा टोटल वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करेगा, ओके। वो जो है उसको बोलते हैं 100% अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, मतलब दैट विल प्रोटेक्ट द 100% ऑफ द जनरेटर वाइंडिंग। वो कैसा है उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेते हैं, ओके। सी दिस इज द 100% अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम, देन दिस इज द 100% अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले, इट इज द एनजीटी एंड हियर इट इज ए करंट फ्लोइंग आई, ओके। ये आर है। अब देखिए दोस्तों, अब होता क्या है, मान लीजिए कि अब इसमें एक हम लोगों को तो ये पूरा जो वाइंडिंग है उसको प्रोटेक्ट करना है, तो हम लोग को मिनिमम टू मिनिमम करंट या मिनिमम टू मिनिमम वोल्टेज में भी जनरेटर को ट्रिप कराना है अगर इसमें अर्थ फॉल्ट आ गया तो, ठीक है। अभी इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा कंडीशन जो है, इस एनजीटी का जो सेकेंडरी साइड में हम लोग एक लो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज इंडेक्स इंजेक्ट करते हैं, ओके। लो फ्रिक्वेंसी मतलब इट इज अराउंड 20 हर्ट्ज़, इसको हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, जो भी वोल्टेज वैल्यू है ये यहाँ पे, ये तो यहाँ पे
जो एनजीटी है ये तो स्टेप डाउन है ना, लेकिन यहाँ से सेकेंडरी वाइंडिंग करने से क्या हो जाएगा, वो स्टेप अप हो जाएगा। होके यहाँ पे ये जो वोल्टेज है यहाँ पे बिल्डअप होता है कौन सा, इसी वाइंडिंग में आपका नॉर्मल जो जनरेटर का सपोज 22 kV हो गया या 11 kV जो भी है, ये भी वोल्टेज है और एक लो फ्रिक्वेंसी वाला भी, ये आपका कितना है 50 Hz फ्रिक्वेंसी वाला वोल्टेज है और एक लो फ्रिक्वेंसी 20 Hz वाला फ्रिक्वेंसी भी वोल्टेज भी है वहां पे। तो दोस्तों यहाँ पे दो टाइप का वोल्टेज आ गया। अब आपको ये करना है, यहाँ पे तो जनरेटर का लोड करंट फ्लो हो रहा है, आई लोड करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वाला का करंट क्यों फ्लो नहीं होता, क्यों नॉर्मल कंडीशन में क्यों फ्लो नहीं होता, क्योंकि जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग के और ग्राउंड के बीच में आपका बहुत सारा कैपेसिटेंस है, मतलब इट इज कॉल्ड वर्चुअल कैपेसिटेंस, ठीक है। ये बहुत सारे कैपेसिटर्स ऐसे, इट द ग्राउंड विल एक्ट लाइक ए कैपेसिटेंस, ओके। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये सब ग्राउंड किया हुआ है। अब आपको अगर ये कैपेसिटेंस है तो पाथ मिल गया, पाथ मिलने से ये 20 Hz वाला जो करंट है यहाँ पे ग्राउंड से आप लोगों को प्रीवियस सर्किट के हिसाब से यहाँ पे तो फ्लो होके ये आई बन जाना चाहिए, ओके। क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि हम लोगों को पता है रिएक्टेंस इक्वल टू 1/2 πfc, ओके। ये फ्रीक्वेंसी जो है ये लो हम लोग कर दिए 20 Hz कर दिए, इसलिए क्या होता है ये XC जो है XC बहुत हाई वैल्यू हो जाएगा। बहुत हाई वैल्यू हो जाने से इट विल एक्ट ए वेरी हाई रेजिस्टिव पाथ भाई, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इसमें रिएक्टेंस है जिसमें ये करंट, इसलिए ये करंट फ्लो नहीं होता है। कौन सा, ये 20 Hz वाला, ओनली लोड करंट जो है वो फ्लो होता है इधर। मान लीजिए इस कंडीशन पे ये वाला यहाँ पे एक अर्थ फॉल्ट हो गया फॉल्ट, तो उससे क्या होगा, ये जो XC है ये धीरे 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 डाउन होने लगेगा। क्यों डाउन होने लगेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे एक दूसरा साइड का पाथ मिल गया उसको, ओके। ये एक पाथ तो था ही और ये फॉल्ट वाला और एक पाथ मिल गया, तो करंट विल फ्लो द इन द शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये वाला चीज़ को वो बाईपास कर दिया। बाईपास करके ये वाला यहाँ पे करंट फ्लो हुआ। फ्लो होने से क्या होगा, ये वाला आई फिर यहाँ पे फ्लो होगा, आर भी हो गया, और वो जो करंट फ्लो होगा वो करंट इज मेजर्ड बाय दिस सीटी। ये जो यहाँ पे सीटी लगा हुआ है ये सीटी मेजर करेगा, ठीक है। यही 20 Hz वाला ही, 20 Hz का ही मैं बात कर रहा हूँ, 50 Hz का बात छोड़ दीजिए आप, ये 20 Hz वाला ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब फॉल्ट होगा उसी फॉल्ट का एक पाथ मिल गया, यहाँ पे पाथ मिलने से यहाँ पे ये करंट फ्लो होने लगेगा। फ्लो होने से ये करंट जो है हम लोग इसी से मेजर करके इस रिले को हम लोग इनपुट देंगे, और यहाँ पे जो रिले है दैट इज सिंपली मेजरिंग द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू V/I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अभी क्या है, दिस रिले विल ऑपरेट कौन सा, कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस इज लेस देन सेटिंग रेजिस्टेंस, ये ओनली एक कंडीशन पे ये रिले एक्ट करता है, ठीक है। अभी ये कैसे एक्ट करेगा, मान लीजिए ये वाला फॉल्ट करंट यहाँ पे इसी में फ्लो हो गया, पहले तो क्यों फ्लो नहीं होगा आपको समझ में आया, क्योंकि XC बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे फ्लो हो गया और यहाँ पे ये वाला आई मेजर हुआ, यहाँ पे रिले में आई मेजर हो गया, ओके। और आई मेजर हो के ये जो आई सर्कुलेट यहाँ पे हुआ इसके चलते आर के एक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप ले लिया उसने। अभी करंट चाहे कितना भी मिनिमम हो, मान लीजिए कि सेटिंग रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लिए हैं 5 ओम, ओके। पहले क्या होगा, XC बहुत ज़्यादा होगा। अभी सबसे पहले कैलकुलेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये XC वाला वैल्यू आएगा लगभग। XC जब, अभी मान लीजिए कि इनिशियल कंडीशन में ये XC के आसपास क्यों रहेगा, इनिशियल कंडीशन में ये फॉल्ट करंट क्या है, 0 है, तो R इक्वल टू V/0, ठीक है। तो इसे इन्फिनाइट मतलब ये तो करंट फ्लो ही नहीं होगा इसमें, तो ये करंट वाला वैल्यू इसमें 0 होगा, आर इन्फाइनाइट होगा, तो इन्फाइनाइट इज ग्रेटर देन सेटिंग रेजिस्टेंस। लेट से सेटिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम, ओके। तो अभी मान लीजिए कि इन्फाइनाइट ग्रेटर देन 5, अब जैसे कि फॉल्ट हो गया इसमें एक बहुत सा मिनिमम, मान लीजिए कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ, ओके, तो बहुत मिनिमम करंट, बहुत मिनिमम वोल्टेज डेवलप होगा, तो ये मिनिमम वोल्टेज से मिनिमम करंट मान लीजिए क्या क्या, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम, लेट्स से
यहाँ पे आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, 1 एम्प करंट, और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत कम रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या है, वी बाई आई बहुत कम करंट है और वी भी बहुत कम है। मान लीजिए कि वी कम है आई से, उसका होने से क्या होगा, तो ये जो इन्फानाइट पहले जो आर रेजिस्टेंस इन्फानाइट था, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा ना। कम किस लिए होगा, क्योंकि मान लीजिए कि वी कम है और आई ज़्यादा है, वी कम है और आई ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा ना। तो रेजिस्टेंस कम होने से जैसे ही रेजिस्टेंस 5 के नीचे आ जाएगा, मतलब सेटिंग रेजिस्टेंस के नीचे आ जाएगा, ये जो सेटिंग रेजिस्टेंस है ये है 5, मतलब 5 मतलब एक एग्जांपल लिया हूँ, कुछ भी सेटिंग रेजिस्टेंस, पहले बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, धीरे 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 होकर कम होगा, कम होकर जैसे ही 5 के नीचे आ जाएगा रिले विल एक्ट। तो इस कंडीशन में पहले मतलब जो 95% अर्थ फॉल्ट रिले में, 95% अर्थ फॉल्ट रिले में वोल्टेज हमारे कांस्टेंट हुआ करता था। क्यों कांस्टेंट हुआ करता था दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए कि वोल्टेज कम हो गया, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल था अर्थ फॉल्ट 95, वो वोल्टेज को मेजर कर रहा था। वोल्टेज को मेजर करने से क्या है, जैसे ही वोल्टेज मान लीजिए कि हमारा कम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वोल्टेज कम हो गया तो ये रिले एक्ट नहीं होगा, वो डर हमारे मन में रहता था। लेकिन इसमें हम लोग उसको कैसे ओवरकम कर दिए, हम लोग उसको रेजिस्टेंस वैल्यू पे रिले ऑपरेट कराए, और मान लीजिए कि वोल्टेज जितना कम होगा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि रेजिस्टेंस उतना कम होगा, वी बाई आई फॉर्मूला के हिसाब से रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और कम होने से सेटिंग रेजिस्टेंस के नीचे जैसे ही आ जाएगा, ये सेटिंग रेजिस्टेंस के नीचे जैसे ही आ जाएगा, तो रिले विल ऑपरेट एंड आवर जनरेटर विल ट्रिप एंड जनरेटर विल बी प्रोटेक्टेड। तो ये यहाँ पे भी होना, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, कहीं पे भी फॉल्ट होगा, तो दिस रिले विल एक्ट इन दिस रेजिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज कॉल्ड 100% अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द 100% ऑफ द वाइंडिंग। ओके, तो दोस्तों ये दो जो दो पार्ट था, पहले हम लोग देखे कि 95% अर्थ फॉल्ट रिले या फिर नॉर्मल अर्थ फॉल्ट रिले वो कैसे ऑपरेट करता है, फिर हम लोग उसको देखे कि उसमें हम लोग कोई एक्स्ट्रा चीज जोड़ के उसमें 100% हमारा वाइंडिंग हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 100% अर्थ फॉल्ट रिले एंड 95% अर्थ फॉल्ट रिले। 95% अर्थ फॉल्ट रिले एक्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज मेजरिंग और ओवर वोल्टेज, व्हाट इज व्हाट एवर द मे बी, एंड 100% अर्थ फॉल्ट रिले ऑपरेट्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट, दैट इज वी बाई आई मेजरमेंट। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे ये उम्मीद है ये वीडियो आपको पिछले वीडियो जैसे अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपका फंडामेंटल क्लियर जरूर हुआ होगा। जनरेटर का स्टेटर अर्थ फॉल्ट कितने टाइप का होता है, उसमें कैसे कैसे सेटिंग्स किया जाता है, क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या प्रोटेक्शंस है, और अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, यूट्यूब में कांटेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में, किसी में भी कांटेक्ट कीजिए, मुझे आपके डाउट क्लियर करने में बहुत खुशी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने लोगों को ये इस टाइप का टेक्निकल टॉपिक चाहिए वो लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट किया कीजिए, जितना आप हो सके अपने दोस्तों में उनके दोस्तों में शेयर कीजिए किया कीजिए। आप लोगों का एक एक शेयर एक एक लाइक मुझे और मोटिवेट करेगा और अच्छा अच्छा टॉपिक लाने के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।